असलम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 20 और टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। बेसिकली लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था व्हाट आर दी स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। हमने वहां पर एक्सप्लेन किया था कि स्क्लेरेन्काइमा सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट होती है, लिग्निफाइड सेल्स होते हैं, लिग्निन की डेपोजिशन होती है। दूसरा हमने कहा था जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं ये इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता, तो हमने कहा था कि जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैं ये डेड सेल्स कहलाते हैं। और हमने फिर लास्ट में कहा था कि ये हमारी बॉडी प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो है ये क्या कहते हैं सपोर्ट और प्रोटेक्शन का जो है वो काम जो है वो करते हैं, यानी और इसके अलावा कंडक्शन वाटर एंड, क्योंकि ये जाइलम के अंदर मोस्टली प्रेजेंट होते हैं तो ये कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये अपना फंक्शन जो है वो टेक प्लेस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स की वहां पर हमने ये भी बताया था कि स्क्लेरेन्काइमा सेल्स की तीन टाइप्स हैं। सबसे पहले अगर हम डील करते हैं फाइबर्स या ट्रैकेट्स कहते हैं, फाइबर्स या ट्रैकेट्स स्क्लेरेन्काइमा सेल्स की एक ऐसी टाइप है जिनके अंदर जो सेल्स हैं उनके जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो टर्मिनेटिंग पॉइंट्स होते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स फाइबर्स हैं इनका दूसरा नाम क्या है, ट्रैकेट्स है। तो हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन देखे हैं कि ट्रैकेट्स आर द लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल मेक जैसे सॉलिड बंडल्स, और ये सॉलिड बंडल किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जाइलम के अंदर या बंडल कैप्स के अंदर। लास्ट टाइम हम बंडल कैप्स को भी डिटेल से डील किया था। तो ये हमारे पास शेप है एक ट्रैकेट की या हमारे पास फाइबर्स हैं। आप देख सकते हैं जो एंड पॉइंट्स हैं वो टर्मिनेटिंग हैं, आप कह सकते हैं कि कोने बने हुए हैं उनके अंदर, और इनके अंदर जो है सिंपल पिट्स होल होते हैं जिनके अंदर ये डिफरेंट सॉल्यूट मटेरियल होता है। और ये हमारे पास एरियाज विद, यानी कि जो रेड कलर से बने हुए हैं ये, और दोनों में एक सुराख लगते हैं तो इनको हम पिट होल कहते हैं। इसके बाद थिक सेकेंडरी वॉल है और दरमियान में जो है वो खाली जगह होती है, इनको हम कहते हैं एम्प्टी ल्यूमन कहते हैं, यानी खाली जगह है। और ये फाइबर्स या ट्रैकेट्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जाइलम ऑफ कॉनिफर्स एंड फर्न्स, ये भी आपने राइड कर लेना है और डायग्राम भी बुक पे बना ले लिया, डायग्राम आपको बुक में नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्लेराइड्स। स्क्लेराइड्स बेसिकली हमारे पास ये डायग्राम बनी हुई है स्क्लेराइड्स की, प्राइमरी सेल वॉल भी होती है, सेकेंडरी सेल वॉल भी प्रेजेंट है, और इनके अंदर ऊपर देखें तो ये हम सिंपल पिट्स होते हैं, जबकि हमारे पास जो स्क्लेराइड्स होते हैं उनके अंदर ब्रांच पिट्स होते हैं, और जो सेल वॉल है वो बहुत ज्यादा थिक होने की वजह से डेड सेल है। और जो स्क्लेराइड्स हैं ये मोस्टली किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं जो सीट कोट होता है, सीट के बाद जो हार्ट प्रोटेक्शन होती है जिसको हम टेस्टा भी कहते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये प्रेजेंट होते हैं नट शेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पल्प ऑफ सम फ्रूट्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अगर हम थोड़ा एक्सप्लेन करें तो हम कहेंगे थिक सेकेंडरी सेल वॉल, ब्रांच पिट्स होती हैं, और एमसीक्यू के तौर पर शॉर्टर देन फाइबर्स, यानी ट्रैकेट से थोड़े साइज में स्मॉल होते हैं जबकि जो फाइबर्स हैं वो थोड़ा सा साइज में बड़े होते हैं। और इनका मेजर फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन, किस चीज की प्रोटेक्शन, अगर सीट कोट के अंदर प्रेजेंट है तो इनर जो प्लम्यूल रेडिकल वगैरह होते हैं उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, अगर नट शेल्स के अंदर प्रेजेंट है तो अंदर जो फूड मटेरियल होता है उसको प्रोटेक्शन करते हैं, इस तरह से पल्प ऑफ सम फ्रूट्स। तो ये इस तरह से ये नहीं कह सकते हैं, ये प्रोटेक्शन का इनका जो है वो मेजर फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास वेसल्स आर ट्रैकिया, ये तीसरी टाइप है वेसल्स आर ट्रैकिया, जो कि प्लांट्स के अंदर ज्यादातर इनके जरिए जो फूड की वाटर और मिनरल की कंडक्शन होती है फ्रॉम रूट टू एरियल पोर्शन ऑफ प्लांट। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाई है जाइलम या वेसल्स की, तो मोस्टली ये हमारे पास एक सेल है जिसको हम कहते हैं वेसल एलिमेंट, एंड वॉल्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती, साइड वॉल अगर कहें तो थिक लिग्निफाइड सेकेंडरी सेल वॉल है, थिक सेकेंडरी वॉल, और एंड वॉल जो होती है ये प्रेजेंट नहीं होती। इसका मतलब एक वेसल एलिमेंट दूसरी वेसल एलिमेंट से और दूसरी तीसरी से जो है वो कॉन्टेक्ट, यानी कि एक दूसरे के अंदर ज्वाइन होते हैं और इस तरह से लॉन्ग पाइप बनाते हैं किस चीज का, जाइलम का। और ये पाइप कहां से बना होता है, रूट टू द एरियल पोर्शन ऑफ प्लांट, यानी लीफ तक बना होते हैं, और इनके जरिए क्या होती है वाटर और जो मिनरल्स होते हैं उनको जो है वो रूट टू एरियल पोर्शन ऑफ प्लांट तक वो क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। द एंड वॉल्स ऑफ वेसल एलिमेंट ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन मीन दे आर एब्सेंट कंप्लीटली एंड फॉर्म कंटिन्यूअस हॉलो ट्यूब। और ये एक पॉइंट याद रखेगा, जो हमारे पास वेसल्स होते हैं उनके अंदर जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल एम्प्टी जो है वो ल्यूमन है इनके अंदर। तो उसके बाद हमारे पास अगर ये अगर डेफिनेशन करें ये भी ठीक है, या बुक वाली डेफिनेशन कर सकते हैं, लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जॉइन एंड टू एंड टू फॉर्म लॉन्ग कनेक्टिंग पाइप इन जाइलम। अब ये हमारे पास सिंपली आप कह सकते हैं कि वेसल्स हैं, और वेसल जो है उनकी एंड वॉल नहीं होती, सेकेंडरी सेल वॉल होती है, जॉइन होते हैं एंड टू एंड और क्या बनाते हैं, लॉन्ग पाइप्स ऑफ जाइलम। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ।
सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी ग्रोथ किसे कहते हैं। प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़े थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर आपने एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़े होंगे जो कि रूट और स्टेम के एंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, टॉप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जब वो डिवाइड होते हैं, प्लांट की रूट और स्टेम की लंबाई बढ़ती है तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। जबकि अगर वास्कुलर कैंबियम यानी कि कॉर कैंबियम हो, चाहे हमारे पास है कॉर कैंबियम या वास्कुलर कैंबियम, इनके डिवाइड होने से प्लांट का डायमीटर या मोटाई या विड्थ गिर्थ जो है ये इंक्रीज होती है, जिसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी ग्रोथ का। तो प्राइमरी ग्रोथ की मैंने डेफिनेशन राइट किया, आप ये राइट कर सकते हैं द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट्स स्टेम एंड रूट्स ड्यू टू द डिवीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टम्स, यानी एपिकल मेरिस्टम्स की वजह से, डिवीजन की वजह से जो ग्रोथ होती है उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और ये कहां पर होती है, जो प्लम्यूल रेडिकल जो यानी कि जब सीड को सीड कोट वगैरह जो है वो रिमूव हो जाता है, तो जब प्लांट नया बन रहा होता है तो वो बेसिकली जब प्लांट की लंबाई बढ़ रही होती है तो टॉप के ऊपर जो है ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी ग्रोथ की डेफिनेशन, अभी भी बताई थी कि वास्कुलर कैंबियम या कॉर कैंबियम के डिवाइड होने की वजह से प्लांट की जब मोटाई या डायमीटर बढ़ता है तो हम उसको कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। डेफिनेशन क्या होगी, द इंक्रीज ऑफ द प्लांट गिथ आर डायमीटर ड्यू टू द डिवीजन ऑफ द वास्कुलर एंड कॉर कैंबियम कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। अब हमारे पास क्वेश्चन, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं कि वास्कुलर कैंबियम और कॉर कैंबियम क्या होते हैं। उससे पहले ये देख लें कि ये प्रोसेस होता किसके अंदर है, यानी सेकेंडरी ग्रोथ का प्रोसेस किसके अंदर होता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ का प्रोसेस मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स में होता है और डाइकॉट्स के अंदर होता है, जबकि मोनोकॉट्स के अंदर जो हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ का प्रोसेस है वो नहीं होता है। पेरेनियल प्लांट्स लाइक ट्रीज, ट्रीज के अंदर होता है, शर्ब्स एंड वाइन वगैरह जो बेल वगैरह होती है उनके अंदर होता है। अब वास्कुलर कैंबियम और कॉर कैंबियम में डिफरेंस पढ़ते हैं। वास्कुलर कैंबियम कहते हैं जो प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं उन बाहर की तरफ होता है। अगर हम डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास है, ये जाइलम और फ्लोएम है, इनको हम वास्कुलर बंडल्स कहते हैं। ये हमारे पास बाहर की तरफ फ्लोएम होता है और अंदर की तरफ होता है जाइलम। अब फ्लोएम और जाइलम के दरमियान में कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट नजर आओगे, रेड कलर के जो आपको नजर आ रहे हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो फ्लोएम और जाइलम यानी प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के दरमियान में जो प्रेजेंट है ये रेड कलर के, इनको हम कहते हैं वास्कुलर कैंबियम। और जब वास्कुलर कैंबियम डिवाइड होते हैं तो बाहर की तरफ आउटर साइड पे सेकेंडरी फ्लोएम बनती है और इनर साइड में सेकेंडरी जाइलम बनती है। तो ये जब डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद, फॉर एग्जांपल मैं ब्लैक से बना रहा हूं, अब अंदर की तरफ से भी एक लेयर और बाहर से भी एक लेयर बनेगी, तो ये ब्लैक लेयर क्या है, इनके डिवाइड होने से बनी है, तो हम इनको क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे सेकेंडरी। अब बाहर की तरफ बनेगी तो सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ बनेगी डिवाइड के बाद तो उसको कहेंगे सेकेंडरी जाइलम। तो ये हमारे पास है वास्कुलर कैंबियम। वास्कुलर कैंबियम की डेफिनेशन के बाद अगर हम बात करें कॉर कैंबियम की, कॉर कैंबियम कैसे कहते हैं, प्लांट्स की अंदर जो स्टेम होती है, स्टेम के सबसे बाहर जो लेयर होती है, हार्ड जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको हम कहते हैं बार्क। बार्क के बाद एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर होता है कॉर्टेक्स। तो बार्क या इसको दूसरा हम नाम देते हैं कॉर्क का, डेड जो लेयर होती है छाल कहते हैं। कॉर्क प्लस कॉर्टेक्स इन दोनों के दरमियान में भी एक लेयर होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। जब वो डिवाइड होते हैं तो अंदर की तरफ कॉर्टेक्स बनता है, बाहर की तरफ कॉर्क, तो इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की टाइप को कहते हैं कॉर्क कैंबियम। तो ये हो गया कॉर्क कैंबियम और वास्कुलर कैंबियम टिश्यू। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारे पास बात करें तो हमारे पास है वास्कुलर कैंबियम फॉर्म बाय सेकेंडरी टिश्यू, और सेकेंडरी टिश्यू हमारे पास क्या है। अब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम में डिफरेंस क्या है, अभी मैंने डायग्राम में भी बताया था कि जब वास्कुलर कैंबियम डिवाइड होता है बाहर की तरफ जो सेल्स की लेयर बनती है उसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी फ्लोएम का, जबकि अंदर की तरफ जो बनती है यानी रेड रेड यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसके अंदर की तरफ जो बनेगी वो सेकेंडरी जाइलम कहलाएगी। तो वास्कुलर कैंबियम जब डिवाइड होंगे तो सेकेंडरी टिश्यू नहीं, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। सेकेंडरी जाइलम कहां बनेगा, अंदर की तरफ, जबकि सेकेंडरी फ्लोएम क्या बने, कहां बनेगा, इनके वास्कुलर कैंबियम से बाहर की तरफ। अब हमारे पास सेकेंडरी जाइलम क्या है, सेकेंडरी जाइलम्स आर फॉर्मड इनर सर्फेस ऑफ द वास्कुलर कैंबियम, व्हेन वास्कुलर कैंबियम डिवाइड देन अ लेयर ऑफ सेल्स इज फॉर्म इनर साइड दैट इज नोन एज सेकेंडरी जाइलम, एंड सेकेंडरी जाइलम बेसिकली इज यूज्ड टू फॉर्म वुड, जिसको आपने हमने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल के साथ डील करेंगे, पिथ और वुड जो है वो। नेक्स्ट है सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम कैसे कहते हैं, जब वास्कुलर कैंबियम डिवाइड होगा तो बाहर की तरफ जो लेयर बनेगी उसका नाम होगा सेकेंडरी फ्लोएम, बाहर की तरफ, जैसे ये हो गई, जैसे ये है, तो ये सेकेंडरी फ्लोएम है, जबकि अंदर की जो
जो बात है वो हमने कहा था स्कैंडी जाइलम है। स्कैंडी फ्लोएम की डेफिनेशन, इट इज फॉर्म आउटर साइड ऑफ द वास्कुलर कैम्बियम। नेक्स्ट है हमारे पास एनुअल रिंग्स। जब भी स्कैंडरी ग्रोथ होती है, स्कैंडरी ग्रोथ मतलब जब वास्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम डिवाइड होंगे, तो हम बात करेंगे वास्कुलर कैम्बियम की, तो डिवाइड होने से अंदर की तरफ जाइलम की एक लेयर बन जाती है। अब प्राइमरी जाइलम अंदर और फिर सेकेंडरी जाइलम, तो क्या होता है रिंग्स बनते जाते हैं। जैसे मैं आप यहाँ पर डायग्राम में दिखाऊं, तो ये डिफरेंट जब स्टेम को देखें तो कटा हुआ, तो उसमें रिंग्स बने होते हैं। तो ये रिंग कब बनते हैं, जब वास्कुलर कैम्बियम डिवाइड होते जाते हैं और अंदर की तरफ लेयर बनती जाती है, तो उन लेयर्स को हम कहते हैं क्या कहेंगे, एनुअल रिंग्स कहते हैं। एक रिंग एक साल में बनता है। अगर हम उन रिंग्स को जो है वो काउंट कर लें, तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि ये प्लांट जो है इसकी एज कितनी है जब हम उसको काटते हैं। क्लियर, डेफिनेशन क्या होगी एनुअल रिंग की, व्हेन वास्कुलर कैम्बियम डिवाइड द सेकेंडरी जाइलम फॉर्म्ड लेयर अपॉन लेयर टू इनर साइड ऑफ द वास्कुलर कैम्बियम एंड दीज लेयर्स अपीयर्ड एज रिंग्स एंड टेल अबाउट द एज ऑफ द प्लांट्स एट द टाइम ऑफ कट। यानी जब हम उसको काटेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी एज क्या है। उसके बाद हम ये हमारे पास यहाँ पर एनुअल रिंग्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।